झारखंड के रजरप्पा में 4 महीने के बाद शुरू हुआ रजरप्पा लोकल सेल। मजदूरों के चेहरे पर आई खुशी। लगभग 700 मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या हुई दूर। गिरिडीह सांसद ने मजदूरों के सिर पर छोरा उठवाकर शुरू कराया लोकल सेल। इस लॉकडाउन में रजरप्पा से पॉजिटिव खबर आ रही है। खबर यह है कि सीसीएल रजरप्पा में लोकल सेल फिर से प्रारंभ हो गया है, जिससे लगभग 700 मजदूरों के रोजी रोटी की समस्या अब दूर हो जाएगी और इस कारण इनके चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीने से लोकल सेल बंद था, इसी को लेकर गत दिनों दर्जनों मजदूर ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा था, जिस पर त्वरित पहल करते हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकल सेल को चालू करवाया। शुक्रवार को लोकल सेल का विधिवत शुभारंभ गिरिडीह सांसद ने मजदूरों के सिर पर छोड़ा चढ़ाकर किया। गिरिडीह सांसद ने कहा कि लोकल सेल बंद था, जिससे मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। समस्याओं को देखते हुए तुरंत लोकल सेल चालू करवाया गया है। सांसद ने कहा कि आगे भी प्रयास रहेगा कि मजदूरों के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और लोकल सेल किसी भी हाल में बंद ना हो। इस दौरान सांसद ने पीओ से मुलाकात कर मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मजदूरों को किसी तरह की समस्या ना हो, इस पर सीसीएल प्रबंधन ध्यान दे। वासरी, जहाँ से सैलरी लोडिंग रिजेक्शन लोडिंग होता था और काफ़ी लंबे समय से लगभग 4 महीने से लोडिंग बंद था और टेक्निकल कारण से जो सीटीओ के कारण और माइनिंग नहीं खुलने के कारण ये काफ़ी विलम्ब हुआ, जिससे काफ़ी यहाँ के मजदूरों को भुखमरी के कगार पर पहुँच गए थे लोग, क्योंकि रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, लेकिन 4 महीना बंद होने से सबकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुका था। आज काफ़ी लंबे समय के बाद शुरुआत हुआ है, लेबरों में काफ़ी मजदूरों में खुशी है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में कभी भी इस तरह का लंबी बंदी नहीं हो, हमेशा चलता रहे ताकि लोग हमेशा खुशहाल रहे और सभी लोगों को रोजगार मिल सके। अब मजदूरों के रोजी रोटी की समस्या दूर हुई तो इन मजदूरों ने अपने खुशी को जाहिर किया, क्योंकि पिछले 4 महीने से लोकल सेल बंद होने के कारण लगभग 700 मजदूरों के बीच रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। फिर शुक्रवार को लोकल सेल शुरू होने से मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। मजदूरों का कहना है कि गिरिडीह सांसद के प्रयास से लोकल सेल चालू हुआ है, जिससे हम काफी खुश हैं। न्यूजीलैंड के लिए चितरपुर से प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट। मेरा यही कहना है कि जो आज उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद करीबन 6 महीना तक लगातार यहाँ के 636 लेबर लोकल सेल में जो कार्यरत थे वो बैठे हुए हैं, उनका परिवार बिखर चुका था और आज जो मंत्री, पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार, गिरिडीह सांसद वर्तमान श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो देन आज है, जो आज लोकल सेल फिर से चालू होने वाला है और चालू करने की प्रक्रिया के कारणवश आज हमारे सांसद महोदय यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब मजदूरों को चेहरे से पता चलता है कि वो काफ़ी उत्साहित हैं और खुश हैं। आज 4 महीना से रजरप्पा लोकल सेल बंद था, इससे मजदूरों में भुखमरी का बहुत समस्या हो गया था। आज 4 महीने बाद रजरप्पा वासरी में लोकल सेल चालू हो गया, इससे मजदूरों में खुशी का लहर। क्रैक जेईई लाइक अ बॉस यूजिंग साइंटिफिक स्टडी मटेरियल, लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन इंडिया, हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन जेईई विद 1000+ सिलेक्शंस एवरी ईयर। VMC में हो गया समझो JEE हो गया। Want to crack IIT JEE? Join VMC and learn from the best. VMC हो गया समझो JEE हो गया। Want to become a doctor? Join VMC. Crack NEET or get fee refund. न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है